नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए पूरा रिपोर्ट। चुनिया नदी पीड़ित परिजनों से मिले देवसर विधायक ने बंधाया ढांढस। 4-4 लाख रुपए संबल योजना के तहत आर्थिक सहयोग देने की घोषणा। अंतिम संस्कार के लिए तत्काल दिए 10-10 हजार रुपए कलेक्टर व एसपी भी घटना स्थल पर ही। खबरें विस्तार से। जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश रिटर्न सुकासी आरबी न्यूज लाइव ब्यूरो की तरफ से यह खबर है सनसनी। सरई थाना क्षेत्र के ग्राम कोनी चुनिया हादसे में मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई है। पीड़ित परिजनों से मिलकर देवसर विधायक सुभाष रामचरित्र ने ढांढस बंधाया और दाह संस्कार हेतु तत्काल 10-10 हजार रुपए देने के साथ संबल योजना के तहत 4-4 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इस दौरान सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना व पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। गौरतलब हो कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर सरई थाना क्षेत्र के ग्राम कोनी स्थित चुनिया नदी में शुक्रवार की देर रात 7:30 बजे अचानक आए बाढ़ की चपेट में आने से मां बेटी सहित 4 महिलाएं बह गई थी। नाले में बहे 4 में से 2 महिलाओं का शव पुलिस ने घटना स्थल से 9 किलोमीटर दूर गोपद नदी के किनारे से बरामद कर लिया था, जबकि इसी हादसे में फंसी एक किशोरी सुप्रिया सही सलामत बच गई थी, जबकि दूसरी किशोरी प्रियंका लापता थी, जिसका पता लगाने प्रशासन एनडीआरएफ व पुलिस टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू चलाकर घटना स्थल से 9 किलोमीटर दूर गोपद नदी के किनारे शनिवार की शाम 4 बजे प्रियंका का शव बरामद होते ही मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई। हादसे में ग्राम कोनी निवासी उर्मिला पत्नी श्री कृष्ण जायसवाल उम्र 30 वर्ष, प्रियंका पुत्री श्री कृष्ण जायसवाल 9 वर्ष और अन्नू पत्नी बाबूराम जायसवाल उम्र 33 वर्ष की हृदय विदारक मौत हो गई। ज्ञात हो कि शुक्रवार को गांव स्थित जंगल में लकड़ी लेने गई थी, जहां लकड़ी बीनते बीनते देर शाम हो गई और अचानक बारिश शुरू हो गई। आनन फानन में सभी लोग लकड़ियां समेट कर घर जाने लगी और जैसे ही गाँव स्थित चुनिया नदी पार करती है कि नाले में अचानक बाढ़ आ गया, जिसकी चपेट में आकर सभी बह गईं। घटना की सूचना पश्चात देवसर विधायक श्री वर्मा सहित सिंगरौली कलेक्टर श्री मीना व एसपी श्री सिंह पहुंच गए। विधायक श्री वर्मा पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और दाह संस्कार के लिए तत्काल 10-10 हजार रुपए देने के साथ 4-4 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा किया। विधायक श्री वर्मा के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की यह दर्दनाक खास खबर।
तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।